हेलो फ्रेंड्स, खाजा पिज्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक चटपटा सा रेसिपी गुपचुप यानी कि पानी पूरी, गोलगप्पा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसी को घर पर ही बनाएंगे और आपको पूरा रोड साइड में मिलने वाला पानी पूरी जैसे फील होगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल में नए हैं और मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहले गुपचुप का पापड़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ ली हूँ 2 कप मैदा ली हूँ और ये बेकिंग पाउडर ली हूँ 1 टीस्पून। थोड़ा सा हम नमक यूज करेंगे और 2 कप सूजी यूज करेंगे। तो अब हम मैदा में 2 कप सूजी मिला देंगे। अब इसमें बेकिंग पाउडर मिला देंगे, थोड़ा सा नमक मिला देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद लेंगे। तो ये हमारा आटा गूंद गया है, इसको हम सॉफ्ट आटा गूंदेंगे क्योंकि सूजी फूल के फिर इसके साथ मिलेगा, तो इसीलिए हमको सॉफ्ट आटा गूंदना है। और इसमें मुझे ये कप में 1.5 कप पानी लगा है गूंदने के लिए। अब हम इसको ढक के 20 मिनट छोड़ देंगे। तो ये हमारा 20 मिनट हो गया है। अब हम इसको और एक बार गूंद लेंगे, फिर हम इसका पेड़ा बना के पूरी बेल लेंगे। तो ये हमारा आटा गूंद गया है। अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे, फिर इसका हम पूड़ी बना लेंगे। तो छोटा छोटा हम पेड़ा बना लेते हैं, इसी साइज का रोटी जैसे हम पेड़ा बना लेंगे। हमारा पेड़ा सारा बन गया है। अब इसका हम ऐसे गोला करके इसको चपटा करके रख लेंगे। तो बाकी सबको भी हम इसी तरह बना लेंगे। तो ये हमारा सारा पेड़ा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसका पूरी बना लेते हैं। इसको हम पतला पतला बेल लेंगे। तो ये हमारा पूरी बेल गया है। अब हम इसको छोटा छोटा काट लेंगे। आप कटर भी ले सकते हैं या फिर कोई बर्तन या फिर कोई ग्लास के टिप में ऐसे भी काट सकते हैं। इसमें हम ऐसे दबा के प्रेस करके इसको काट लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पूड़ी बेल के इसको गुपचुप का शेप दे देंगे। तो हम इसी तरह सबको बेल लेते हैं। देखिए इसी साइज का हम बेल लेंगे। तो यह हमारा सारा पूड़ी बेल के रेडी हो गया है। अब तो हम तेल गरम करके इसको छान लेंगे। तो यह हमारा तेल गरम हो गया है। इसमें एक एक करके पूड़ी सब डालते जाएंगे। इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे, कितना बढ़िया से फूल जाए। इसको आधा मिनट इधर से होने देंगे, फिर हम पलटा देंगे। इसको हमको मीडियम आंच पे तलना है। अभी गोल्डन हो गया है, इसको हम निकाल देंगे। देखिए हमारा पूरी बढ़िया से फूल गया है। मैं आपको ठंडा होने से दिखाऊंगी कैसे ये क्रिस्प है। ऐसे हम बाकी सब पूरी छान लेते हैं।
थोड़ा सा पूरी के ऊपर प्रेस कर देने से ये फूल जाएगा। एक एक करके हम ऐसे फुला लेंगे। तो ये, और मैं चाकू छान के दिखा रही हूँ, इसी तरह मैं बाकी सबको भी अभी छान ले रही हूँ। तो ये हमारा सारा पापड़ी बन गया है, अब हम इसका मसाला बना लेंगे। ये मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ। तो पूरा बढ़िया क्रिस्पी हुआ है, अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो अब हम मसाला बना लेंगे। मसाला के लिए मैं 10 आलू ले ली हूँ, इसको थोड़ा मैश कर ली हूँ। ये बॉयल आलू था, उसको मैं मैश कर ली हूँ। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, आपको जैसे पसंद है प्याज अपने अनुसार डालिए। ये हरी मिर्च डाल देंगे, छोटा छोटा कटा हुआ है। ये मैं चना झोल बनाई हूँ, इसको भी इसमें डाल दे रही हूँ। चना झोल का अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं आलूदम दही वड़ा वाला रेसिपी में डाली हूँ, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, आप अगर देखना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। तो इसको भी डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून जैसे इसमें हम जीरा पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पापड़ी को चूर करके डाल देंगे। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया, अब हम इसका पानी बना लेंगे। तो इसका पानी बनाने के लिए हम, ये मैं 5 कप पानी ली हूँ, इसमें हम 1 इमली को पानी में भिगो के रख दी थी, ये 1/2 घंटा के लिए भिगो के रख दी थी। अब इसको हम पानी में डाल देंगे, इसको हम छान लेंगे, छान के डालेंगे। ये मैं इमली को छान के रख ली हूँ, अब इसमें हम नमक मिला लेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून जैसे काला नमक डाल देंगे। अब इसमें मिर्ची पाउडर डाल देंगे, अगर आपके पास कूटा हुआ मिर्ची है तो बहुत अच्छा लगेगा, कूटा हुआ मिर्ची डालिए। ये जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून डाल देंगे। और ये मैं हरी चटनी बना के रखी हूँ, धनिया पुदीना का चटनी है, ये भी मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ, इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसको भी हम 2 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें। और आपको अगर एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिए तो इसमें थोड़ा सा आप दही मिला सकते हैं, मैं इसमें 2 टेबलस्पून जैसे दही मिला दी हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा पानी रेडी हो गया है, अब हम सबको असेंबल कर लेते हैं। तो ये मैं गुपचुप का पानी ले ली हूँ, अब 1 गुपचुप लेंगे, इसको बीच से तोड़ देंगे और इसके अंदर ये हम मसाला डाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी सबको भी बना लेते हैं। तो ये हमारा गुपचुप रेडी हो गया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा सेब डाल के डेकोरेट कर देंगे। तो ये हमारा गुपचुप पानी पूरी रेडी हो गया है, आप लोग भी इसको घर पे बना के देखिए और कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय।